कंपनी ने 5:30 बजे का राउंड अपना रिजल्ट बीएससी पे डाला। तो रिजल्ट तो आप सभी ने देख ही लिया होगा क्या हुआ। सबसे मैंने कि मार्केट कल क्या रिएक्ट करेगा इस रिजल्ट के बाद और क्या होने वाला है शेयर में अगले कुछ तो चलिए पता करते हैं क्या हुआ, रिजल्ट में क्या आया, बैलेंस में क्या दिखाया गया। बेसिकली सेल्स इस बार 13 करोड़ का दिखाया गया है जो कि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का था और पिछले ईयर में 14 करोड़ था। तो ईयर्स अगर ईयर बाई ईयर अगर तुलना करें तो सेल्स 1 पॉइंट है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इस बार 14 करोड़ का हुआ है, पिछली बार 12 करोड़ का था। एक्सपेंस भी सेम टू सेम ही है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं है, बस 2-4% का ऊपर नीचे है। कंपनी ने इस बार 12 करोड़ का लॉस फेस किया है, पिछली बार भी 13 करोड़ का लॉस हुआ था और पिछले साल 10 करोड़ का लॉस था। तो बेसिकली आपको तो पता ही होगा कि ये होटल सेक्टर है तो इसमें लॉस तो कंपनी मतलब देना ही है। सारे होटल सेक्टर जितने भी होटल सेक्टर है सारे होटल सेक्टर वाली कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन होटल, चैलेट होटल, EIH होटल, एशियन होटल, सारे के सारे होटल वाली कंपनी जो है वो लॉस ही अपने बैलेंस शीट में शो कर रही है पिछले कई क्वार्टर से। तो इसमें भी कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, लॉस भी 1 पॉइंट है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। EPS की बात करें तो EPS इस बार भी नेगेटिव में है 0.16, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.17 नेगेटिव था और पिछले ईयर 0.14 वो भी नेगेटिव था। तो EPS भी सेम है। ओवरऑल अगर बोला जाए तो मार्केट ने लेमन ट्री ने जो रिजल्ट फेस किया है उसमें कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। सभी को पता था कि ये जो अप्रैल मई और जून जो कि गया है वो कोविड सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है हमारे इंडियन मार्केट पे, तो इस वजह से सारे लॉकडाउन लगे हुए थे सारी जगह। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा रिजल्ट आना ही था और सभी को उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। अब कोई डरने वाली बात नहीं है कि कंपनी ने क्या लॉस फेस किया, क्या प्रॉफिट फेस किया, बेसिकली कोई डरने वाली बात नहीं है। इससे शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, निगेटिव डाउन साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे मेन बात कि क्या इसके टारगेट क्या होंगे आने वाले दिनों में और क्या हो सकते हैं। बेसिकली जैसा मुझे पता है मैं होटल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ही फोकस हूँ बहुत सालों से, तो मेरे हिसाब से ये जो शॉर्ट टर्म में अगर इसको 1 से 2 महीने के लिए अगर होल्ड करते हैं तो इसमें 45 रुपीज़ का टारगेट आसानी से मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से 25% के आसपास अपसाइड है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो अगर आप इसको 3 से 4 या 5 महीने होल्ड कर सकते हो मतलब कि दिसंबर तक, तो इसमें 55 से 60 तक एक लेवल जो कि आराम से आपको देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से 50% के आसपास अपसाइड है। तो मेरे हिसाब से यही हुआ कि अगर आपके पास शेयर है तो आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लेवल अभी 37 के आसपास का लेवल है आज का, तो आप इसको बाई कर सकते हैं अगर आप रिसेंटली करना चाहते हैं तो 35 to 36 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है, आप यहाँ पर बाई कीजिए अच्छे रिटर्न के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से बाई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा शेयर है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये एक बहुत अच्छा शेयर है। 55 से 60 रुपये के टारगेट, प्री कोविड लेवल का टारगेट जो है आराम से मिल सकता है आपको अगर आप दिसंबर तक अगर होल्ड करते हो।